ट्रैकिंग करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है फॉर मी. सो बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए. और अभी तक ये सारा कुछ मैसेज तो करा हूँ. सारा कुछ मैसे होकर पड़ा हुआ है. आई डोंट नो व्हाट टू डू. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम श्री एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. एंड दिस इज गोइंग टू बी सो क्रेजी एंड सो एक्साइटिंग. सो अभी हम स्टेशन के लिए निकल रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला था कि हम दार्जिलिंग जाने वाले हैं. सो अभी ना हम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं. सो अभी इन दोनों से मिलिए, लिसा दी या नर्मदा दी. सो अभी हम तीनों जाएंगे, फिर जो बाकी के लोग हैं वो स्टेशन पे मिल जाएंगे. सो ओके, सो बबल का फोन. हाँ तो सी यू देन. हाँ सी यू देन. और अभी ना बबल बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है, कॉल पे कॉल कर रहा है कि आ जाओ आ जाओ. तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे पहुँच के मैं फिर से बात करूँगी. सो सी यू देन. संजय के तुम हाय करी कही पिला को आगे डाक. इन्होंने ना नया ब्लॉग चैनल स्टार्ट कराया करेंगे. नहीं मुझे नहीं पता, वो भैया है सबसे बड़े. और यहाँ रिचा की हालत खराब है. और इस बार बहुत अच्छी चीज है कि मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई.
मतलब मैंने कंट्रोल कर लिया, अगर कंट्रोल नहीं करती ना तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और हालत बहुत खराब है। और इस न्यू मेंबर का मैं क्या करूँ, मैंने मेंबर बैच पे नहीं लाई साथ में, बस ठीक क्या होता है। Hi. नमस्कार भाई सक्सेसफुली रीच एट कौन है जलपाईगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी गाड़ी ना मिल नहीं रही थी, फाइनली शेयरिंग ऑटो से हम जा रहे हैं अभी। ऐसे बैठे हुए ना हम की बात भी नहीं कर सकते, फोन को पकड़ नहीं सकते और मेरे पास कोई टाइप कर नहीं है, तो रूम पे पहुंच के हम बात करेंगे। अगर हो सकेगा तो बस स्टॉप पे भी थोड़ा सा कर लूंगी कोई कार, नहीं तो नहीं। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे साथ चंपा सलम होगी। हाँ चंपा सलम ना, यहाँ पे नहीं चंपा सलम रहा हमारे लिए, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया होता ना गाड़ी मतलब नहीं होता नहीं है जानना तो कही है ना, आधे से निकल के नहीं जाएंगे। मतलब यही सभी काम चलाना पड़ रहा है। सो
इसी गाने में हम जा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम लग गया है, खाने में टाइम चाय बजाओ। हाँ ये बाहर ही तो हम ना हमारा सफ़र एंजॉय कर रहे थे एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ आर्मी कैंप। बहुत बड़ा सा था, इवन बहुत जगह पे है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चाइना बॉर्डर है, दैट्स व्हाई। सो उन्हें देख के ना बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि आर्मी उनके लिए तो दिल में अलग सी जगह है। सो यहाँ पे व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। हम एंजॉय कर रहे थे, इसे देख कर ना हमारा जो टायर्डनेस था, वो 50% तो जा चुका था, फिर भी टायर्डनेस था, क्योंकि ट्रेन का सफ़र एंड देन इतने, मतलब 5-6 घंटा हमको लग गया रूम तक आने के लिए, गैंगटॉक आने के लिए। तो उसके लिए और व्यू आप देख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी आना ना तो प्लीज़ फ़ोन को साइड पर रख के व्यू एंजॉय करना, मतलब ये आपकी दिल में ही रह जाएगा ये व्यू। रास्ते में एक होटल में इन लोगों ने डिनर कर लिया, भूख सबको लग रही थी, बट हम 4-5 रुके थे गाड़ी में, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था और धूल से तो हम मतलब नहा चुके थे, सो हमारा खाने का दिल नहीं कर रहा था। बट जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी वो क्या कर सकते थे, उन्होंने खाना खा लिया। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, दुर्गा पूजा था तो हर जगह लाइटिंग एंड डेकोरेशन है, विच वॉज ब्यूटिफुल। सो और अभी आप देख सकते हो ये वाला व्यू ना सबसे प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे तारे हैं पहाड़ों में, जो घर होते हैं ना उनमें जो लाइटिंग थी रातों में उसी की वजह से। तो हम ना अभी पहुँच गए हैं, बट अभी माइंड स्टेबल नहीं कि कुछ बोल सकूं, तो पहले पहले ना हम फ्रेश हो जाते हैं, फिर बात करूंगी। फाइनली हम जूम पे पहुंच गए, विच इज ग्रेट थिंग। सो हम सब टायर्ड है, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, और अभी वेट आई विल शो यू आवर रूम। छोटा सा रूम है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, बट जैसा भी अच्छा है, मतलब सॉरी, मतलब ट्रेन में आओगे ना तो ऐसा लगेगा, आप जहाँ पर भी खड़े हो जाओ लगेगा कि मतलब कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है, सारा चल रहा है जैसे ट्रेन में होता है। सो यहाँ पर ना टीवी चल रही है, और दी अभी नहाने के लिए गई है, वो आ जाएगी तो मैं जाऊँगी, क्योंकि बिना नहाए ना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना धूल जमा हुआ है ना, जैसे मान लो बॉडी पे बॉडी लोशन लगा हो। सो बाकी सब अपने अपने रूम में हैं, उनसे मैं फिर से मिलाऊंगी आपको। हो सकता है ये व्लॉग अभी मैं एंड कर लूँ, या तो कुछ टाइम के बाद, पता नहीं, बट लेट्स सी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है, आनंद एंजॉय करा है। सो नहीं, अभी एंड नहीं करूँगी, कुछ टाइम के बाद एंड करती हूँ, एंड आप मेरी हालत तो देख सकते हो, वॉन क्लास की भिकारी में लग रही हूँ। इट्स ओके। और कुछ न्यू मेंबर्स निकल आए हैं, मैं पिंपल पैच लाना भी भूल गई, मैं सारा कुछ लाना भूल गई, पता नहीं, ये सबके साथ होता है। कई बार आप जा रहे हो देन कुछ ज़रूरी की चीज़ें होती है जो आपको लेना है, बट आप भूल जाते हो। बट मतलब मैं सारा कुछ लाई हूँ, वैसे मैं सर्वाइव तो कर सकती हूँ, बट जैसे होता है ना, आप जितना भी पैक कर लो लगता है कि वो कमी है, मेरे साथ भी वही है। सो वैसे ही कुछ है, सो मैं सो कितनी बार बोल चुकी हूँ। ओके, कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ, आज सबसे मिलाती हूँ, सब क्या कर रहे हैं रूम में। सो सी यू देन। खाना पीना सारा कुछ हो गया, और अभी बहुत लेट हो चुका है। व्यू आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ से, बट मेरा सर इतना चक्कर खा रहा है कि अगर मैं नीचे गई तो मैं सीधा गिर के फिर चली जाऊंगी। तो अभी ना ये व्लॉग को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, कहीं पे एंड कर देती हूँ। बाकी
पता है मतलब ऐसा हुआ कि मैंने ना अंदर जब हम डिनर कर रहे थे तब मेरे कैमरा ऑन करा था, बट सडनली वो बंद हो गया तो कोई आ नहीं पाया. इट्स ओके, कल सारा कुछ कवर करूंगी, आई होप सो. सो गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय. कल मिलते हैं फिर से. आई होप आपको व्लॉग व्लॉग आपको पसंद आ रहा एंड आपने एंजॉय करा. अगर करा देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. You're my family. You're gonna understand me. Okay. So, bye. Take care. Good night. Hey, चलो जल्दी हो जी. See you.